दोस्तों संसार की सबसे घातक शिकारी होती हैं बड़ी बिल्लियाँ। भागने में बिजली सी तेजी, शरीर में गजब की फुर्ती, नुकीले पंजे और तेज दांतों के साथ घात लगाकर हमला करने की अनूठी खूबी, इन सभी विशेषताओं के ही चलते ये बड़ी बिल्लियाँ अपने अपने क्षेत्रों के जंगलों में राज कर रही हैं। पीली धब्बेदार त्वचा वाली ये बड़ी बिल्ली बेहद चालबाज और फुर्तीली है। मैं बात कर रहा हूँ तेंदुए की। ये इतने तेज और माहिर होते हैं कि पेड़ों पर चढ़कर बंदरों तक का शिकार कर लेते हैं। तेंदुए के उलट अजगर बेहद सीमित क्षमताओं का जीव है। सिवाय एक लंबे शरीर के इसके पास कोई और विशेष हथियार नहीं होता। पंजे तो छोड़ो, ये जीव हाथों और पैरों से ही विहीन है, लेकिन एक अजगर के पास असीमित ताकत होती है। ये अपनी कुंडली में दबोचकर बड़े से बड़े जानवर को मार डालता है। किंतु क्या इसकी ताकत किसी तेंदुए से लड़ने के काम आ सकती है? कम से कम तेंदुए को तो ऐसा नहीं लगता। तभी तो अफ्रीका के जंगलों में घूमते हुए जब इस तेंदुए का सामना एक रॉक पाइथन नामक अजगर से हुआ तो तेंदुए ने तुरंत इस अजगर का शिकार करने की ठान ली। हालांकि रॉक पाइथन अफ्रीका के सबसे बड़े अजगर होते हैं। ये घास के ऐसे मैदानों में रहना पसंद करते हैं जहाँ आसपास कोई पानी का तालाब भी हो। भले ही ये अजगर विष रहित होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये खतरनाक नहीं होते। रॉक पाइथन की लंबाई 20 फीट तक हो जाती है। ये एक ही बार में हिरन या जेबरा को भी निगल जाते हैं। कभी कभार इन्हें मगरमच्छ जैसे जीवों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। यानी किसी तेंदुए के लिए रॉक पाइथन को हराना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। खुद पर हमला होते देख ये अजगर अपनी कुंडली तेंदुए के शरीर के चारों ओर लपेटने का प्रयास करता है ताकि दम घुटने से तेंदुआ मारा जाए, परंतु तेंदुआ भी फुर्ती से उछलकर इस अजगर की कुंडली से छूट जाता है। फिर अपने पंजों से ये अजगर को जकड़ लेता है। दोनों ही जीवों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। दोनों ही अपनी पूरी जान लगा देते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हम इंसानों के बॉक्सिंग मैच जैसी नहीं है जहाँ सिर्फ मेडल पाने के लिए दो खिलाड़ी लड़ते हैं, अपितु ये लड़ाई खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए है। यहाँ हारने का मतलब है जान चली जाना, इसलिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा दोनों ही जीवों के भीतर दिखाई पड़ता है। परंतु जीत तो केवल एक की ही होनी थी। अंत में रॉक पाइथन ये लड़ाई हार जाता है। तेंदुए की तेज दांत इस अजगर के शरीर को जगह जगह से काट डालते हैं। यदि अजगर तेंदुए को अपनी ताकत पर कुंडली में लपेटने में कामयाब हो जाता तो निश्चित रूप से इस लड़ाई का परिणाम कुछ और ही होता। किंतु इस लड़ाई में ताकत से ज़्यादा नुकीले दांत और पंजों जैसे हथियार काम आए। दोस्तों भले ही ये अजगर हार गया हो, किंतु फिर भी इन्हें बेहद ही खतरनाक किस्म का शिकारी माना जाता है। इस दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक अजगर बेहद ही आसानी से एक हिरण का काम तमाम कर डालता है। ये वीडियो महाराष्ट्र का है जहाँ कुछ हिरण पानी पीने के लिए एक छोटे तालाब के किनारे पहुँचते हैं। जैसे ही ये हिरण पानी पीने के लिए तालाब की ओर जाते हैं तो किसी असामान्य चीज़ को देखकर ठिठक जाते हैं। ये असामान्य चीज़ यानी अजगर भले ही कुछ घंटों तक बिना हिले डुले एक स्थान पर पड़ा रहे, किंतु जब ये हमला करता है तो इसमें बिजली सी तेजी आ जाती है। अजगर कमाल की फुर्ती दिखाता है और पानी से बाहर आकर एक हिरण को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अजगर अपनी कुंडली में हिरण को भींचना शुरू कर देता है। अजगर की पकड़ से बेचारे हिरण की फसलियाँ टूट जाती हैं, इस वजह से हिरण के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि तमाम सांप हमेशा अपनी जीभ लपलपाते रहते हैं। दरअसल ये जीव नाक से नहीं बल्कि जीभ से सूंघते हैं। जब ये अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं तो हवा में फैले खुशबू के कण इनकी जीभ से चिपक जाते हैं। वही कण जीभ के अंदर ले जाने के बाद इनके दिमाग तक पहुंचते हैं और सांप अपने आसपास की गंध को प्राप्त करते हैं। सांपों के अतिरिक्त कई तरह की जंगली छिपकलियाँ भी गंध पकड़ने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक तेंदुआ घात लगाकर अजगर को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। भले ही तेंदुए को लग रहा हो कि अजगर को उसकी उपस्थिति का कोई एहसास नहीं है, परंतु तेंदुए का यह अनुमान गलत है। अजगर अपनी जीभ की सहायता से तेंदुए की गंध को प्राप्त कर रहा है। यानी ये अजगर भली भांति जानता है कि तेंदुआ इसके ठीक पीछे खड़ा है। किंतु आज ये अजगर लड़ने के मूड में नहीं था, इसलिए जब तेंदुआ इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो अजगर तुरंत घटनास्थल से भागने का प्रयास करता है। हालांकि फुर्तीला तेंदुआ अजगर को अपने मुंह में पकड़ लेता है, लेकिन अजगर अपनी पूंछ से तेंदुए को धक्का देते हुए तेंदुए की दांतों की पकड़ ढीली करता है और जल्द ही पास के तालाब में कूद जाता है। तेंदुआ अजगर के पीछे जाकर उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि तेंदुआ भली भांति समझता है कि अजगर का हमला पानी में कई गुना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए अजगर से पानी में उलझना आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सिद्ध करने के ही समान है।
दोस्तों टेंजे के मुकाबले शेर अधिक साहसी होते हैं। ये खुद के आकार से कई गुना बड़े जानवर से भिड़ जाते हैं। यहाँ एक शेर के बच्चे का साहस आप देख सकते हैं। ये छोटा शावक अकेले ही अजगर को चुनौती दे रहा है। हालांकि अजगर से लड़ने के मामले में ये शावक अभी बहुत कमजोर है, इसलिए अजगर इस छोटे शावक को अपनी कुंडली में लपेट लेता है। एक अजगर की कुंडली में इतनी शक्ति होती है कि अपने शिकार को दबोचकर उसकी हड्डियां तक तोड़ डालता है। ऐसे में यह शावक अजगर के लिए बेहद ही मामूली सी चुनौती है, परंतु शेर समूह में रहने वाला जानवर है। इस छोटे शावक को मुसीबत में देखकर इसके दो भाई तुरंत मदद को आ गए और इन्होंने मिलकर अजगर पर हमला बोल दिया। ऐसे में अजगर के पास भागने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। दोस्तों वस्तुतः जंगल की जिंदगी बड़ी ही मुश्किल होती है। यहाँ अनेकों बार शिकारी ही शिकार बन जाता है। आप देख सकते हैं एक जवान बाघ अजगर को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। अजगर बार बार बाघ को खुद से दूर रहने की चेतावनी देता है, लेकिन बाघ अजगर की पीठ पर हमला बोल देता है। किंतु अजगर को कमजोर समझ लेना बाघ के लिए एक बड़ी भूल सिद्ध होती है। लगातार हुई मुठभेड़ में बाजी अजगर के पाले में चली जाती है और अजगर बाघ को अपनी कुंडली में दबोचने में कामयाब हो जाता है। बाघ अजगर की कुंडली से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा है, परंतु अजगर की असीम ताकत के चलते बाघ की हर कोशिश नाकामयाब ही रहती है और अंततः अजगर अपनी मजबूत पकड़ के दम पर बाघ का दम घोट कर बाघ को मार डालता है। यानी बाघ जैसा कुशल और ताकतवर शिकारी खुद ही शिकार बन जाता है। जंगल में बाघ जैसे शक्तिशाली जानवर की जान लेने की क्षमता बहुत ही कम जंगली जीवों में होती है। कभी कभार भैंस जैसे बड़े जानवर का शिकार करते समय भैंस के नुकीले सींगों से बाघ या शेर घायल होकर अपनी जान गंवा सकते हैं, किंतु एक बिना हाथ पैर और रेंग कर चलने वाले जीव द्वारा बाघ को मार डालना काफ़ी अनोखी घटना है। असल में हम अजगर की ताकत को कम आंकते हैं। ये अजगर एक बार में ही एक भरे पूरे हिरण, सुअर, बकरी या छोटे आकार की भैंसों तक को निगल सकते हैं। सभी अजगर अपने शिकार की जान लेने के लिए उसके शरीर के चारों ओर अपने शरीर को किसी रस्सी की तरह लपेट लेते हैं और शिकार के शरीर को खींचना शुरू कर देते हैं। शिकार के छोड़े गए हर सांस के साथ अजगर की पकड़ और भी अधिक मजबूत होती जाती है। मतलब हवा बाहर छूटते हुए जानवर के फेफड़े सिकुड़ते तो हैं, किंतु अजगर की पकड़ के कारण फेफड़े दोबारा पहले की भांति नहीं फूल पाते, जिस वजह से पकड़े गए जानवर के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और कुछ मिनटों में ही जानवर मारा जाता है। म्यांमार, बांग्लादेश और भारत सहित कई अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में पाया जाने वाला बर्मिश पाइथन नामक अजगर धरती का सबसे बड़ा सांप है। इनकी लंबाई 20 फीट से भी अधिक हो जाती है। इन इलाकों में रहने वाले अनेकों स्थानीय निवासियों ने तो 30 से 40 फीट लंबे अजगरों को देखने का भी दावा किया है।